उत्तर प्रदेश के बहराइच में करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाला इंजीनियर गिरफ्तार। मेडिकल कॉलेज निर्माण में करोड़ों का घोटाला। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में नवम वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में रामकथा का आयोजन। कार्यक्रम में मंच संचालन कर दिखाई गई झांकी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में चचेरे भाई ने की थी साथियों के साथ मिलकर हत्या। गांव के नलकूप पर दिया था वारदात को अंजाम। नमस्कार, मैं शाहीन, आप देख रहे हैं आईबीएन भारत और अब खबरें विस्तार से। यूपी की सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल में पेराई चालू करवाने के लिए किसानों ने सड़क पर घंटों तक सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। किसानों की खून पसीने की कमाई को बीच में बिचौलिया आकर किसानों का वाजिब मूल्य न लगाकर उल्टा सीधा दाम लगाते हैं, जिससे किसान बहुत ज्यादा परेशान है। किसान राज्य एवं केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए नारे लगा रहे थे। इस जाम के कारण सड़क के दोनों किनारे गाड़ियों की लंबी कतार खड़ी हो गई, जिसे आने जाने वाले यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रीगा शुगर फैक्ट्री के एक जो बड़ा केंद्र है बसंत पट्टी, जहाँ से 10 लाख से ज्यादा क्विंटल गन्ना सप्लाई होता है, वही का मैं किसान हूँ। हमारे यहाँ तो इतनी मरमाहत है और इसमें सरकार तो निश्चित रूप से काफी इन्वॉल्व हो रहा है। इनके शासन में अब करप्शन का जो है सो प्रकाष्ठा पर पहुंच गया। सरकार को चाहिए इसमें व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना। हमारे नागिंदर बाबू किसान के नेता है कि बराबर और परामर्श क्या कहते दात्री में भी है मुख्यमंत्री जी के, तो इनके लिखने पर भी मुख्यमंत्री जी का ध्यान नहीं खुल रहा है। और मुख्यमंत्री जी तो सारे बिहार के ऑल इन ऑल है, वो अगर चाहें तो उनके माध्यम से मिल का खुलना, मिल का बंद होना, मिल का अतिक्रमण होना, मिल के सारे कार्यक्रम को बढ़िया से चलाना और चलना निश्चित तय था। लेकिन पता नहीं ये क्या खेल खेला जा रहा है, क्या हो रहा है। इसमें किसान जो है सो पूरे का पूरे मरमाहत है और बहुत बुरे स्टेज से गुजर रहा है। बिल्कुल पैसा किसी को पॉकेट में जाने की स्थिति में नहीं है। बिचौलिया और दलाल पूरे पड़ा हुआ है, यहाँ से गोपालगंज और सिद्धवलिया और मझौलिया तक मजबूर होके किसान आज जो कुछ भी गन्ना सप्लाई कर रहा है मजबूरी में हो रहा है और सप्लाई दे रहा है। और यह भी उन्माद फैलाया जा रहा है बड़ी जोर शोर से, 8 फरवरी तक फैक्ट्री चलेगी मझौलिया, कोई कहता है 12 तारीख तक चलेगी सिद्धवलिया, कोई कहता है 13 तारीख तक चलेगा गोपालगंज। इस स्थिति में जो कम पढ़े लिखे किसान है, जो गांव घर तक जिनका सोच है, वो बेचारे डर से अपना गन्ना काट के और औने पौने दाम में बेच रहे हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ब्लॉक गुगरापुर के सरायमा रूफ में नवम वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में आखिरी दिन चल रही रामकथा का आयोजन किया गया। श्री रामकथा अमृत वर्षा का निर्मल प्रवाह उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध समाज सुधारक मानस मणि संत श्री पागल दास जी महाराज के श्रीमुख से प्रवाहित किया गया। इस कार्यक्रम में मंच संचालन कर झांकियां भी दिखाई गईं। नितिन कटियार ने बताया कि इस सत्संग सरिता में सभी ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों ने कथा का रसपान करने के लिए बड़ी संख्या में शामिल हुए और आर्थिक सहयोग प्रदान कर आयोजन को सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंचाने में प्रबंधन समिति की सहायता की। समिति की कार्यकारिणी में मुख्य रूप से नितिन कटियार, देवेश कटियार, गंगाराम अभिषेक के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में सिंगवल गांव में नलकूप पर हुई हत्या का एएसपी ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया। दरअसल हफ्ते भर पहले आशनाई में प्रमोद पांडे की हत्या हुई थी। इस मामले में पुलिस को शुरू से मृतक के चचेरे भाई पर शक था। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो सामने आया कि चचेरे भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी, जिसके बाद आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दिनांक 9/1/2021 को थाना कौशाम्बी क्षेत्र में एक युवक की हत्या की गई थी, उसी का आज खुलासा किया गया है। खुलासे में ये बात प्रकाश में आई है कि लड़का कई लोगों से अवैध संबंध रखता था, जिस बात को लेकर इसके चचेरे भाई, मौसेरे भाई और गांव के कुछ लोग खुन्नस रखते थे और उस दिन शराब पिया गया वहाँ पर और शराब के नशे में उसकी हत्या कर दी गई। और उस पर खुन्नस यही थी कि कई लोगों से अवैध संबंध था, जिसमें उनके परिवारजन और गाँव के लोग भी शामिल थे।
दिनांक। उत्तर प्रदेश के मथुरा में थाना राया क्षेत्र में सरकारी योजना के नाम पर युवाओं से ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल गांव पवेसरा के रहने वाले युवा भारी संख्या में थाने पहुंचे और सरकारी योजना के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाया। इस मामले में पीड़ित युवक पुष्पेंद्र ने बताया कि सितंबर में कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2,000 रुपए खाते में आने की बात कही गई थी, जिसके तहत युवाओं को मां भगवती देवी स्कूल में बुलाकर कोरे कागज पर फिंगरप्रिंट ले लिए गए थे, लेकिन अब तक इस योजना के तहत उन्हें एक भी रुपया नहीं मिला है। जानकारी के मुताबिक अभी कुछ दिन पहले खाते में 3 मोबाइल नंबर अपडेट किए गए हैं और जब युवाओं ने इसके बारे में जानकारी ली और अपने कागज वापस करने को कहा तो उन कागज के गलत होने की बात कही गई। थाने किस काम के लिए आया? संदीप कुमार, जो अभी सितंबर में एक स्कीम आई थी कौशल विकास के अंदर, हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने हमें बताया कि एक स्कीम के अंदर तुम्हें 2,000 रुपये मिलेंगे। किसने बताया था? स्कीम कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2,000 रुपये मिलेंगे जी फिर? हाँ, जो माँ भगवती कॉलेज में, तो हम उनके पास गए, वहाँ यूनियन बैंक का फॉर्म भरा गया, उधर ब्लैंक पेपर पे फिंगरप्रिंट लिए गए हमारे। फिंगरप्रिंट लेने के बाद हमको बोला लगाया कि आपका जो अकाउंट है वो यूनियन बैंक में खोल दिया जाएगा और इसमें आपको 2,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन उसके बाद में अब जनवरी में हमें अपने OTP वगैरह से काम पड़ा तो उसमें पता पड़ा कि जो मोबाइल नंबर है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार में, वो अपडेट हो गए हैं। और मेरे ही नहीं, जिन जिन भाइयों के जो फॉर्म भरे गए थे वो सभी मोबाइल नंबर अपडेट हैं और 3 मोबाइल नंबर हैं जो सभी में अपडेट हुए हैं। उसके लास्ट 30 डिजिट उस पर दिखा रहा है, यह UIDAI इंटरनेट वेबसाइट पर हमने चेक किया, उस पर सभी नंबर सेम आ रहे हैं। और क्या समस्या है? समस्या यही है कि उसमें सभी में आधार कार्ड नंबर जो है अपडेट हुए हैं। हमें कोई भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड या किसी और काम से रिलेटेड अगर और कोई भी काम हो तो जो OTP है वो उन्हीं के पास जाएगा जिनका मोबाइल नंबर अपडेट हुआ है, हमारे पास OTP नहीं आ रहा है। विद्यालय में शिकायत की इसको लेके? विद्यालय में हमने शिकायत की, उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि ये ठीक करा दिया जाएगा, और ठीक कराने के लिए हमने बोला कि ये ऐसा क्यों हुआ, हमें अपने डॉक्यूमेंट वापस चाहिए। तो उन्होंने कहा जो हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया और हमें स्कूल से बाहर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 मोबाइल चोरों को कोतवाली नगर क्षेत्र के ही देवकाली के पास से गिरफ्तार कर लिया है। चोरों के पास से 40 मोबाइल फोन बरामद किया गया है जिसकी कीमत करीब 3,45,000 तक की बताई जा रही है। SP सिटी विजय पाल सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच और कोतवाली नगर पुलिस ने तीनों शातिर मोबाइल चोर महबूब आलम उर्फ मुन्ना, धर्मेंद्र गौड़ और अतुल पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली नगर में 3 अंतर जनपदीय अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। ये मोबाइल चोर हैं जिनसे 40 मोबाइल फोन बरामद हुआ है और 1 हीरो होंडा मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। और ये मोबाइल चोर और ये जो चोरी किए गए मोबाइल्स हैं इनको कनेक्ट किया जा रहा है और इनसे पूछताछ की गई है और इनकी गहनता से जो है ये विवेचना इसमें होगी और इनकी जो है और केसेज में जो भी संलिप्तता होगी और भी घटनाओं में वो भी इनको ट्रेस करके जो है आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। और यह एक अच्छा कार्य हुआ है और इससे जो मोबाइल चोरी की घटनाएं हो रही थी उससे अंकुश लगेगा। कोतवाली नगर में 3 अंतर जनपदीय अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। ये मोबाइल चोर हैं जिनसे 40 मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है और 1 हीरो होंडा मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। और ये मोबाइल चोर और ये जो चोरी किए गए मोबाइल्स हैं इनको कनेक्ट किया जा रहा है और इनसे पूछताछ की गई है और इनकी गहनता से जो है ये विवेचना इसमें होगी और इनकी जो है और केसेज में जो भी संलिप्तता होगी और भी घटनाओं में वो भी इनको ट्रेस करके जो है आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। और यह एक अच्छा कार्य हुआ है और इससे जो मोबाइल चोरी की घटनाएं हो रही थी उससे अंकुश लगेगा।
मध्य प्रदेश के बैतूल की माचना नदी में दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई। दरअसल आदित्य और दीपांशु अपने अन्य चार दोस्तों के साथ नदी में नहाने के लिए गए थे, जहां पर आदित्य और दीपांशु की नदी में डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि नहाते वक्त दीपांशु नदी में डूबने लगा, तभी आदित्य भी बचाने के लिए पानी में गया और वहीं उसी के साथ डूब गया। रेस्क्यू टीम ने दोनों के शवों को बाहर निकाल लिया है। क्या नाम है आपका? है। क्या हुआ आपके बेटे के साथ, ये बताइए कहाँ गया था? मेरे को नहीं पता सर, मैं काम पे गई थी 6 बजे से, 12 बजे तक आती हूँ मैं, फिर बच्चों ने खाना पीना खा लेते घर में रहते, फिर शाम को मैं गई तो बड़ा वाला बेटा को बोला कि दीपक दीपांशु क्यों नहीं आया। कब से बोलता आपके लड़का? कल ही ना सर। कल से? आज के कैसा पता लगा कि आपको नदी में? फिर अब ये कोई ने देख के इधर उधर से पता लग गए सर। फिर मैं कभी काम से ही मैं घर से निकली कि बोले कि मम्मी आपके बेटा खत्म हो गया, ये वो सर। बताइए आज की जो घटना हुई वो क्या, कैसे हो गई, क्या हुआ था घटना? हाँ, ये दो लड़के हैं, ये जो लंगड़ा देव बाबा का जो के पास में जो स्टाफ डैम है जी, वहाँ पर कल बता रहे कि नहाने गए थे तो ये डूब गए हैं, तो मृत्यु हो गई है। कितने लोग गए थे नहाने के लिए? उनके दोस्तों के साथ गए थे बोले, और दोस्त भी थे जी। बाकी लोग बच गए, दो लोग की मौत हो गई? हाँ हाँ, दो लोग। क्या क्या नाम दोनों के सर? एक का नाम है आदित्य मालवी और एक का नाम दीपांशु ककोड़िया। क्या नाम है आपका? गुजरात के दाहोद में प्रदीप सिंह जडेजा की मौजूदगी में जाइट्स अस्पताल में फ्रंटलाइन कोरोना के योद्धाओं का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा की उपस्थिति में टीका का शुभारंभ किया गया, जो दाहोद में जाइट्स अस्पताल में दाहोद के फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण शुरू करने के लिए दाहोद में थे। आपको बता दें कि कमलेश निनामा जो कि जाइडस अस्पताल में एक डॉक्टर थी और उन्होंने कोरोना वैक्सीन को फ्रंटलाइन कोरोना योद्धा के रूप में प्रशासित किया था। उन्होंने कहा कि हम दाहोद जिले में टाटेन में कोरोना वैक्सीन प्राप्त करने पर गर्व करते हैं। बाजार में यह अफवाह फैली हुई है कि ऐसा तब होता है जब मैं इस कोरोना वैक्सीन को लेता हूं। लेकिन मैंने वैक्सीन ली और मुझे कोई असर नहीं हुआ। यह टीका भारत सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त है और एक स्वदेशी वैक्सीन है। वैक्सीन को हमेशा जागीर में लेना चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि हम चेचक और खसरे जैसी घातक बीमारियों को टीकों के माध्यम से मिटा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बनने वाले मेडिकल कॉलेज निर्माण में करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। इसके निर्माण के लिए राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी नामित किया गया था, लेकिन इस संस्था ने नोएडा की एक दूसरी कंपनी को इसका ठेका दे दिया था। आरएनएन के प्रोजेक्ट मैनेजर और जेई ने नोएडा की कंपनी की मटेरियल्स मुहैया कराने के नाम पर 36 करोड़ रुपए का गबन किया है। ये खबर कई दिनों तक अखबारों की सुर्खियां भी रही। मामला मीडिया में आने के बाद इसकी शासन स्तर पर जांच की गई तो इंजीनियर की कारस्थानी पकड़ी गई। इंजीनियर के खिलाफ कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मामले में पुलिस को 5 लोगों की तलाश थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी इंजीनियर रामधार सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच क्षेत्राधिकारी नगर त्र्यंबक नाथ दुबे ने बताया कि एसओ दरगाह के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है। एक आरोपी इंजीनियर को कर लिया गया है गिरफ्तार, जबकि दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के अयोध्या में गांव पंचायत अडिंग में प्रधानों के कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसके चलते ग्रामीणों की समस्या सुनने वाला अब कोई नहीं है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि कार्यकाल के समय में प्रधान गांव में कंबल वितरण करते इसके साथ साथ जगह जगह पर अलाव भी चलवाते थे, लेकिन इस बार ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं दिख रही है। इस दौरान हरप्रसाद लाखन, रामबाबू, दिनेश सिंह, राजकुमार, डॉक्टर वासदेव और अन्य लोगों ने जिला प्रशासन से अलाव जलाने और गरीब को कंबल बंटवाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अहरौरा नगर के ऐतिहासिक दुर्गा जी मंदिर में आगामी जिला पंचायत चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की बैठक हुई। बैठक में विधायक ने कहा कि यूपी का विकास दिल्ली के मॉडल पर होगा। वहीं यूपी सरकार को घेरते हुए कहा कि यूपी सरकार के रवैये से यूपी की जनता अब त्रस्त है, जनता अब विकास चाहती है। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा के विधायक मुकेश अहलावत मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश के संभल में दो दिन पहले हुई महिला की गोली मारकर हत्या का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी की बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की। एसपी ने खुलासे में बताया कि सास से परेशान होकर उसकी बहू ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर देर रात उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी बहू और प्रेमी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले में कामयाबी के बाद एसपी ने पुलिस टीम को भी इनाम देने की बात कही है। आज की खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।